When is your wedding video coming? Difference between US and UK, difference between New York and London. Why you all decided to move to London? Is it because Prashant got good job opportunity or some other job reason? Why you left your job in US? Don't you get pressure from home to plan your family? कैसे आप सबके हाल, मेरा नाम है ऋतु। आज संडे वाला दिन है और बाहर मौसम बहुत ज़बरदस्त है। अभी ना 1:45 हो रहा है और मैं आपको बाहर लेके जाने वाली हूँ और आज मैं आपको लंदन नहीं घुमाऊँगी, आज हम सवाल जवाब करेंगे। मैंने थोड़े दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट डाला था और उस पर मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए, इंस्टाग्राम से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए। आई थिंक इस बार ऑलमोस्ट 350-400 क्वेश्चंस आ गया है, तो मैंने शॉर्ट लिस्ट कर दिया है। आई एम होपिंग जब आप मुझे अच्छे से जानो तो आपको बहुत अच्छा लगे। लेट्स रोल। हम लोग नीचे आ गए हैं और अब क्वेश्चंस आंसर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इज़ बाय सूरज शेट्टी। हैव यू एक्सपीरियंस्ड रेसिज्म इन यूके? डज लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री फील्स लाइक होम? रेसिज्म एज ऑफ नाउ मैं आपको गारंटी करके बोल सकती हूँ कि मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ है। इट्स बीन लाइक 4.5 months ऑफ मी बींग हियर। थोड़ा टाइम मैं इंडिया में भी थी, बट हाँ एज ऑफ नाउ यहाँ पे आई थिंक पीपल आर मोर एक्सेप्टिंग, जितना भी मैंने देखा है। ऐसा मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बोला था कि जब आप US में रह चुके होते हो तो US में इतना नहीं है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। मेरे साथ उल्टा हो रहा है, मुझे अभी तक कुछ भी फील नहीं हुआ है। आई थिंक पीपल आर मोर वेलकमिंग हियर, दे डोंट टॉक दैट मच, ठीक है। बट हमारे जैसे लोग बहुत सारे दिखेंगे आपको, साउथ एशियन लोग बहुत सारे हैं यहाँ पे। अगर आपको साउथ हॉल का व्लॉग याद है, वहाँ पे देखा था ना आपने कितने सारे लोग हमारे जैसे थे। सो एज ऑफ नाउ आई ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इट फील्स गुड टू बी हियर। इसका सेकंड क्वेश्चन भी था, वो ये था कि डज लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री फील्स लाइक होम? यस एंड नो बोथ। मतलब ऑफकोर्स जब मैं बोलती हूँ मुझे घर जाना है तो वो ये वाला घर ही होता है, बट जहाँ मुझे आके सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है वो वाला घर होता है। सो आई हैव टू होम्स। बाहर रहने का ना ये हो जाता है कि तुम्हारे दो घर होते हैं, इनफैक्ट मेरे तो तीन घर हैं। एक क्वेश्चन जो हमें सब लोगों ने पूछा, आई थिंक 100 लोगों ने ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन पूछा, डिफरेंस बिटवीन US एंड UK, डिफरेंस बिटवीन न्यूयॉर्क एंड लंदन, और कौन सी जगह आपको ज़्यादा पसंद है। तो उसके बारे में आई थिंक आई विल नीड प्रशांत एडवाइस अ लिटिल बिट। क्या क्या लगता है? मुझे दोनों चीज़ें पसंद है। मतलब मुझे भी दोनों जगह के अपने अपने फ़ायदे हैं। हाँ तो हम अभी भी कंसीडर कर रहे हैं कि कौन सी जगह अच्छी है कौन सी जगह बेकार है, हम सोच रहे हैं। बट पता है क्या, वहाँ यहाँ आई एम लाइकिंग द वेदर, क्योंकि मुझे लगा था रोज़ बारिश होती है, ऐसा नहीं होता है, इट्स अ ब्यूटीफुल वेदर। मतलब अभी देखो कितना अच्छा वेदर, और US में अभी एक हफ्ते पहले तक स्नोफॉल हो रही थी, तो वेदर इज़ गुड हियर। उधर लोग हैं, मतलब वी आर येट टू मेक फ्रेंड्स हियर, वहाँ हमारे बहुत सारे दोस्त थे, धीरे धीरे हो रही दोस्ती हमारी, और ये घर से पास है, तो अगर एक्सटेंडेड वीकेंड है या कुछ है तो मैं तो टिकट्स देखती रहती हूँ कि आप जा सकते हो वापस। US से इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू गो, 17 घंटे की फ़्लाइट होती है, प्लस टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव होती है। और क्या डिफरेंस है प्रशांत? और आई गेस मतलब शुरू में कुछ चीज़ें हमें US में रहने की आदत है तो फिर वो वहाँ की चीज़ें अच्छी लगती हैं। हाँ। जैसे हाउस एक्टिंग अपने को US में अच्छी लगी थी, यहाँ पे हमारी बैंड बच गई थी, बाकी यहाँ पे ये सब है जैसे ग्रोसरी वोसरी हमें इजीली मिल जाती है, इंडियन ग्रोसरी बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत पसंद है खाना बनाना। ओके तो मुझे ना बहुत पसंद है खाना बनाना, तो टेस्को पे यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आई थिंक हमने इन 4 महीनों में कितनी बार, 1 या 2 बार ऑर्डर किया होगा इंडियन ग्रॉसरी, अदरवाइज सब कुछ मिलता है यहाँ पे। और क्या अच्छा है यहाँ पे, मेरी बेस्ट फ्रेंड रहती है यार, तो दैट इज़ अनदर गुड थिंग। और क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट? हाँ हाँ एकदम खाली गाड़ी हम सोच भी नहीं रखने की, सो दैट इज़ अनदर गुड थिंग। और US का क्या अच्छा था जो हम मिस करते हैं प्रशांत? यार वहाँ पे ना गाड़ी होने के मजे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे आई थिंक लोकेशन बहुत अच्छी है, तो आप पूरा यूरोप घूम सकते हो, आइसलैंड स्कॉटलैंड बहुत सारी जगह है, और आसपास मतलब 2-3 घंटे की फ्लाइट है, आप जा सकते हो टू प्लेसेस लाइक रोम क्रोएशिया, तो वो सब इट्स अ गुड थिंग। हम बाहर आ गए हैं एंड मौसम बहुत ज़बरदस्त है। आई एम ग्लैड कि मैं ये जो आज व्लॉग कर रही हूँ वो बाहर कर रही हूँ, क्योंकि बाहर घूमने में मज़ा आ जाता है मुझे कभी कभी, दैट इज़ वेरी रेयर, बट या हो जाता है कभी कभी।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय स्नेहा मेहता. हैव यू एवर बीन बॉडी शेम्ड? व्हाट यू वांटेड टू बिकम इन योर चाइल्डहुड एंड आर यू हैप्पी विद योर प्रेजेंट अचीवमेंट्स? पहला वाला बॉडी शेम्ड ऑफ कोर्स राइट लेफ्ट एंड सेंटर, मतलब आई थिंक बुरी तरह से. आई डोंट टेक इट ऑन माई हार्ट बट या आई बीन बॉडी शेम्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स. जब मैं आई थिंक 9th के आसपास थी, नहीं 10th में थी, तो मुझे ना ब्रेसेस लगे थे, तो मैं बहुत ही ज़्यादा पतली हो गई थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा पतली. तब भी मुझे बहुत बुरी तरीके से बॉडी शेम करा गया था. अब आफ्टर आई थिंक शादी के बाद आई हैव गेन अ लॉट ऑफ वेट, उसमें भी लोग मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी शेम करते रहते हैं. बट या दैट्स देयर थॉट एंड आई रिस्पेक्ट दैट इन देयर ओन हेड, नॉट टू मी. मतलब जैसा आपको अच्छा लगता है बोलो, मुझे कम करना है या ज़्यादा करना है, आई विल डू इट ऑन माय ओन पार्ट. नो प्रशांत, बट तेरे को यहाँ पे किसी ने किया बॉडी शेम यूएस में या यूके में? नहीं नहीं, तो सब इंडिया वाले लोग करते हैं. आई एम नॉट श्योर हाउ टू से दैट बट या बाहर कोई किसी को बॉडी शेम नहीं करता है. इनफैक्ट अगर आपको लगता है आप एक्स हो तो यहाँ पे एक्स एक्सएल ट्रिपल एक्सएल बहुत सारे साइजेस होते हैं. पीपल सेलिब्रेट डिफरेंट साइजेस डिफरेंट कलर्स. मतलब मेरे लिए आइडियल बॉडी इज़ अ फिट बॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ फैट और हाउ स्लिम आई एम. आई रियली वॉन्ट टू बी फिट. दैट्स द रीज़न आई एम वॉकिंग ऑन माई बॉडी, नॉट टू बी स्लिम, नॉट टू लुक गुड, क्योंकि वो मेरे लिए पर्सनली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. सो या सेकेंड क्वेश्चन था आपका कि मुझे बचपन में क्या बनना था और मैं खुश हूँ या नहीं. दैट्स अ ट्रिक क्वेश्चन. मुझे बचपन से रेडियो जॉकी बनना था और हाँ, मतलब मेरे को ऐसे पायलट इंजीनियर ये इन्वेस्टमेंट बैंकर या फिर एस्ट्रोनॉट ये सब मुझे कुछ नहीं करना था. आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे कुछ ऐसा एंटरटेनिंग करना है. सो जब मेरी रेडियो मिर्ची में जॉब लगी थी आई वॉज हैप्पीएस्ट. आई वॉज लाइक वाओ दिस इज़ व्हाट आई एस्पायर टू बी ऑलवेज, और मुझे वो मिल गया था. बट अभी एम आई हैप्पी? येस एंड नो बोथ. आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग, पुटिंग एन एफर्ट, बट इफ इट्स रिफ्लेक्टिंग इन माई ग्रोथ आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ना बहुत सारे लोगों ने पूछा और ये काफ़ी रेपिटेटिव क्वेश्चन है. आई एम गोना टेक फ्यू नेम्स. भूमिका, नेहा, अनामिका, NNN, ऐसे बहुत सारे लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछा. व्हेन इज योर वेडिंग वीडियो कमिंग? प्लीज़ टेक माय नेम अनामिका, मेरे सब्सक्राइबर सिंस 30K. हाय अनामिका, आई एम ग्लैड टू हैव यू. शादी का वीडियो कब आ रहा है बता दूँ? मैं एडिट कर रही हूँ अभी, इस सैटरडे आ जाएगा आई एम श्योर. थोड़ा डिले हो गया एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर इट. और रीज़न भी बता देती हूँ आपको कि उसमें जो गाने हैं ना, आई वॉज थिंकिंग ऑफ मैं उसमें अपने वाले गाने डाल दूँ जो कॉपीराइट जिसमें ना आए, बट देन आई रियलाइज कि उससे ना उसका जो क्रिएटिव एसेंस है वो ख़त्म हो जाएगा. तो हमारा जो शादी का वीडियो है, प्रशांत दोबारा लेट्स से इट टुगेदर क्योंकि लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं हुआ. तो हमारा शादी का वीडियो कब आ रहा है प्रशांत? सैटरडे को. वो पक्का आ रहा है, देख लेना. तो अभी जो अपकमिंग दो क्वेश्चन है वो प्रशांत से है. पलक मिश्रा, फ्रॉम वेयर प्रशांत प्रिपेयर्ड फॉर JEE? और आई गेस देयर वॉज वन मोर, सूरजल राठौर. व्हाट वॉज प्रशांत AIR इन JEE? प्रशांत, यू वांट टू आंसर दैट? मेरी AIR थी 241. हाँ, और मैंने प्रिपेयर किया था दिल्ली में विद्या मंदिर क्लासेस से. उस समय काफ़ी छोटा होता था, अभी आई हैव हर्ड कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एक्सपैंड कर लिया है. तो ठीक है, ओके. अस्ता बहुत प्यारा लग रहा है यार ये वाला ना. अगर आपको लंदन के घर देखने हैं तो कमेंट करके बता देना ऐसे घर. दिस इज जस्ट द ट्रेलर, इससे बहुत अच्छे अच्छे घर होते हैं. तो आई एम गोना मेक अ वीडियो बट यू हैव टू कमेंट, लेट मी नो. अच्छा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय पारुल गौर. व्हाई यू लेफ्ट योर जॉब इन US? डोंट यू गेट प्रेशर फ्रॉम होम टू प्लान योर फैमिली? पहला वाला, जॉब क्यों छोड़ दी? मैंने छोड़ी नहीं थी. मेरा जो एम्प्लॉयमेंट ऑथोराइजेशन डॉक्यूमेंट होता है, दैट्स अ डॉक्यूमेंट दैट यू रिक्वायर टू वर्क इन द US, तो वो जो था वो अपेरेंटली एक्सपायर हो गया था मेरा. और यूजली 3 महीने में वापस रिन्यू हो सकता था, बट उन्हें ऑलमोस्ट 7-8 महीने लग गए. एंड देन द प्रीवियस कंपनी आई वॉज वर्किंग विद, दे रिप्लेस्ड मी, ईजी पीजी. बस ये हो गया था. सेकेंड क्वेश्चन, प्लान योर फैमिली, प्रशांत यू वांट टू आंसर दैट? डू वी गेट अ प्रेशर? डू वी टेक द प्रेशर? हाँ, मतलब हम लोग ज़्यादा लेते नहीं है प्रेशर, बट ऑब्वियसली फैमिली से सबकी बोलती हैं. वो तो प्रेशर तो सबको होता ही है. तो आप उस बारे में क्या बस इतना ही बोलना चाहेंगे कि हम अपन विल डिसाइड, अपन ध्यान नहीं देते, विल डिसाइड कि क्या करना है. मैं थोड़ा सा आगे आ गए हैं एंड ये जो जगह है, इस जगह का नाम है प्रिम रोज हिल. और यहाँ से लंडन का बहुत अच्छा व्यू आता है. तो ये पूरा हिली है, मतलब हम लोग ना ऐसे वहाँ से आए और हम सीधा जाएंगे, तो देखते हैं व्यू अच्छा भी है.
पहाड़ी चढ़ के पहाड़ी लोग आ गए हैं, सो मैं दिखाती हूँ कैसा लगता है। लोग ऊपर आ चुके हैं एंड लोग बहुत सारे हैं यहाँ पे, और स्काईलाइन बहुत खूबसूरत लगती है, और ऐसा बोला जाता है कि लंदन का सबसे अच्छा व्यू यहाँ से आता है। एंड ऑल्सो यू कैन लुक एट फ्यू प्लेसेस, दिस इज लंदन आई, दिस इज शार्ड, ये लंदन सबसे ऊँची बिल्डिंग है। अगर आपको याद है मैंने सेंट पॉल्स कैथेड्रल इसका भी व्लॉग बनाया था, ठीक है, दिस इज़ वॉकी टॉकी बिल्डिंग, देर इज़ अ प्लेस कॉल्ड कैनरी वॉफ, ये इधर है, और ये सारा फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का। हम लोग इधर बैठ गए हैं और थोड़ा आलस करने वाले हैं क्योंकि हम बहुत थक गए हैं चल चल के, और हमारे जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, सेम यही कर रहे हैं आगे पीछे दोनों साइड। क्वेश्चन इज फ्रॉम पीडी फॉर पीजे, व्हाई यू ऑल डिसाइडेड टू मूव टू लंदन, इज इट बिकॉज़ प्रशांत गॉट गुड जॉब अपॉर्चुनिटी और सम अदर जॉब रीजन? तो यही रीजन था यार, मतलब अपॉर्चुनिटी मिली थी लंदन मूव करने की, तो हम लोगों ने सोचा कि मूव कर जाते हैं। इट वॉज डिफिकल्ट, हम सोच रहे थे करना करें, सोच सोच के डिसाइड किया कि हाँ चलो मूव कर ही जाते हैं इवेंचुअली, एंड हाँ इट वॉज बिकॉज ऑफ माई जॉब इवेंचुअली। या मतलब वहाँ पे हमारे सब लोग थे तो थोड़ा तो डिफिकल्ट था, बट वी रियलाइज कि चले जाते हैं, वील स्टार्ट अफ्रेश, एंड आई थिंक वी आर लाइकिंग द चेंज, वी आर हैप्पी। मतलब ऐसा शुरू में प्रॉब्लम हुई थी, बट अभी अच्छा लग रहा है यहाँ पे भी। या और पता है नई जगह भी तो है देखने के लिए, और मतलब ये जगह कहाँ मुझे न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में मिलती है, सो इट वॉज गुड दैट वी केम। और बहुत सारे लोग मुझे ट्रोल भी करते हैं कि मैं अपनी लाइफ में ना बताती न्यू चीज़ें और वट एवर इट इज़, आई थिंक माई 90% लाइफ इज़ आउट देयर इन ओपन, लाइक मेरा घर, मेरे घर वाले, मैं करती क्या हूँ, मेरी ब्लॉग्स, मैं जहाँ भी जाती हूँ, देर आर थिंग्स विच आई वॉन्ट कीप इट प्राइवेट कभी कभी, नंबर वन। नंबर टू, और भी चीज़ें होती है ना, हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो हम लोग आए थे, सो आई रियलाइज लेट्स डू अ Q&A और फिर विल बी ट्रांसपेरेंट, मैं सब कुछ बता देती हूँ आपको। आफ्टर हाफ एन आवर प्रशांत इज स्टिल रिलैक्सिंग एंड व्हाई आर यू स्माइलिंग? तूने अभी मेरे पीछे शुरू हो गई फिर से एक वीडियो बनाना। हाँ, मुझे थोड़ा काम करना है, सो लेट मी फिनिश इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय चेतन नोवाल। हेलो भैया, विच नेक्स्ट कंट्री आर यू प्लानिंग टू मूव? आई थिंक आई एम थिंकिंग ऑफ सिंगापुर, देन मे बी जापान, एंड देन मे बी समवेयर इन स्विट्जरलैंड। नहीं, अभी हम यहीं हैं भाई, इतना चेंज नहीं करना अभी। आई थिंक द मूव हैज़ बीन रियली डिफिकल्ट फॉर अस, सो वी गॉट टू नो एग्जैक्टली, जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं होता है, सो वी आर हैप्पी हियर। लाइफ में आगे क्या होगा वी डोंट नो, बट एज ऑफ नाउ या दिस इज़ गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय रिहान वसीन खान। प्रशांत भैया को भी बोला अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें, आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट हिम। इतनी मेहनत सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। करना यूट्यूब चैनल शुरू, मैं अपना राइवल अपने घर में कर रही हूँ, होने दूंगी। यार लोग करते हैं वैसे, पता है ऐसे हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में व्लॉग करते हैं। देखा है मैंने, बट डू वांट, आर यू इंटरेस्टेड? टू मच एफर्ट है मेरे से। कोई नहीं, मैं अपने चैनल में प्रीमियम मेंबरशिप दूंगी आपको, उसमें देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय आकृति चंद्रा। हाउ डिड यू रिलैक्स योर सेल्फ ड्यूरिंग दैट 1 week ऑफ फ्रॉम यूट्यूब? तो आई थिंक दैट वॉज नेसेसरी फॉर मी जब मैंने ब्रेक लिया था, और मैंने कुछ भी नहीं किया अपने काम में ना, इट्स लाइक माई वे भी। हाँ, तो मैं ना जैसे मतलब अगर मैं खाली बैठी तो मुझे थोड़ा सा गिल्टी फील हो जाता है, तो उस वो जो 1.5 हफ्ता था, 2 हफ्ते लगभग थे, उसमें मैंने कुछ भी नहीं किया था, मतलब मैं सिर्फ सोती थी, खाती थी, सोचती थी मुझे लाइफ में क्या चाहिए। मेरा ना काफ़ी ज़्यादा आई थिंक एक बैलेंस हिल रहा था थोड़ी लाइफ में, अबाउट पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मूव, वो सब, तो मुझे ना एक थोड़ा टाइम अपने साथ चाहिए था, एंड इट वर्क रियली वेल फॉर मी। मैंने ऑलमोस्ट आगे आने वाले वीडियोस के आइडियाज़ प्लान किए, मैंने शांति से टीवी देखा, बहुत सारी मूवीज़ देखी, मैंने घर में बहुत सारे लोगों को फ़ोन किया जिनको मैं यूजुअली फ़ोन नहीं करती हूँ, सो इट वॉज़ रियली नाइस, एंड या आई एम ग्लैड दैट आई डिड दैट। एंड आई थिंक हर थोड़े टाइम बाद, अभी नहीं, ले लेना चाहिए शॉर्ट ब्रेक, लंबा वाला नहीं, छोटे वाले। तो हम लोग घर जा रहे हैं, इतने सारे लोगों को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं भी जाना है, बहुत मज़े आया है। मतलब आई थिंक मैं लोगों को लेके आऊँगी यहाँ पे, और मैं रिकमेंड करूँगी, बड़ी मस्त जगह है। लेकिन हम सवाल जवाब भी करते रहते हैं। फोर पिलर लाइफ स्टाइल ने पूछा है, हाउ डिड यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ एंड व्हाट वाज द जर्नी एंड द प्रोसेस लाइक? अगर मुझे इस सवाल का जवाब पता होता तो मैं भी सदगुरु बन जाती, बट जितना मैं अपनी लाइफ में
समझा सकती हूँ आपको, मुझे खुश रहना है सबसे इम्पोर्टेंट। अगर मुझे आरजे बन के खुशी मिलती है तो मैं वो करूँगी, अगर मुझे घर पे रह के खुशी मिलती है तो मैं वो करूँगी, अगर मुझे वीडियोस बना के खुशी मिलती है तो मैं वो करूँगी, अगर मुझे कुत्ते के साथ खुशी मिलती है तो मैं वो ज़रूर लूँगी। मुझे ना लगता है कि आपको जो जेन्युइनली अच्छा लगता है ना वो आपको करना चाहिए, और उसमें अगर आपको अभी इतनी सक्सेस नहीं मिल रही है दैट इज़ ओके, थिंग्स विल चेंज। ऑफकोर्स आई एस्पायर टू गेट अ गोल्डन प्ले बटन, वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर में मिलता है। मैं चाह रही हूँ कि मेरे 1000 वीडियोज़ हो जाएँ जल्दी से जल्दी, तो वो भी मुझे करना है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लिए बहुत कुछ करूँ इन टर्म्स ऑफ लाइफ में, बहुत आगे बढ़ूँ ताकि मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करें, वो भी मुझे करना है। बट उस सबके बीच में एक चीज़ है कि मुझे खुश रहना है। पूछा है ऑल अबाउट सग्गू ने, हाउ डू यू डील विद होम सिकनेस, मुझे घर की बहुत याद आती है। ये बात अगर आप मेरे वीडियोज़ देखते हो तो आपको समझ में आ जाता होगा, तभी मैं 2 महीना रह के आई और वापस आने के बाद हम लाइक अब मैं नेक्स्ट कब जाऊँगी। बट आई गेस द आंसर इज़ वीडियो कॉल करते रहो, बात करते रहो, बात करके अच्छा लगता है। और कोशिश करो कि आप उनको बुला सको, कोशिश करो कि आप जा सको, कोशिश करो कि फ़ोन से इतनी अच्छी कनेक्टिविटी हो सके कि वो जो रिलेशन है वो और ज़्यादा अच्छा हो सके। फिज़िकल प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पता है मैंने ना ये चीज़ अभी रियलाइज़ किया है थोड़ा टाइम पहले, कि फ़ोन और वीडियो कॉल और व्हाट्सएप ये सब रिप्लेस नहीं कर सकता, वो जो वार्म हग होती है ना, हाय, वो बहुत स्पेशल होती है। तो अगर आपको लगता है कि आप एफर्ट कर सकते हो तो करो, अदरवाइज दूर रह के भी प्यार मेंटेन कर लो, हो जाता है, थोड़ा मुश्किल रहता है बट या हो जाता है। और मैंने अभी इनके डॉग्स को पेट किया एंड बहुत मजे आए यार। ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नॉट दैट रश्मि, योर फेवरेट प्लेस इन ऑल द 3 कंट्रीज, इंडिया, US, UK एंड अ मेमोरी कनेक्टेड टू इट। US में आई गेस नायग्रा फॉल, बहुत सारी जगह मैंने US तो मतलब काफ़ी घूम लिया था, बट नायग्रा इज समथिंग दैट वॉज अमेजिंग यार। मतलब अगर आप US जाओ तो वहाँ ज़रूर जाना, ऑफकोर्स मच हाइप्ड है। और ये जोक भी है कि अगर तुमने अपने मम्मी पापा को बुलाया और तुमने उन्हें नायग्रा नहीं घुमाया तो लोग तो पूछ पूछ के सवाल मतलब परेशान कर देंगे तुम्हें कि तुमने US क्यों बुलाया। हाँ तो नायग्रा हो गया US का। लंदन में मैं अभी ज़्यादा घूमी नहीं, बट आई गेस बाबा बोल देती हूँ यार टावर ब्रिज अभी घूमना है। मतलब आई एम श्योर ये बहुत बुरी चॉइस है मेरी अभी, बट या आई एम गोना इम्प्रूव इट, थोड़ा घूम लूँगी। इंडिया में दिल्ली से हूँ मैं बॉस यार, और दिल्ली में बहुत मज़े आते हैं, और दिल्ली में फैमिली है, दिल्ली में फ्रेंड्स हैं, दिल्ली में कज़न्स हैं, दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैंने बचपन से मैं रही हूँ, तो या दिल्ली। ओके सो वी आर डन विद आवर Q&A सेशन टुडे एंड वी हैड फन। आई गेस अभी हमने काफ़ी पार्क भी घूम लिया, अब हम घर जा रहे हैं और सवाल जवाब भी खत्म हो चुके हैं। बट या इट वॉज फन, आई थिंक वी शुड डू इट मोर ऑफन। वही लोग प्रशांत मुझे बोलते हैं कॉन्टेंट की कमी के बाद लोग करते हैं, नहीं प्रशांत लोग जेन्युइनली मुझसे सवाल पूछना चाहते हैं। ठीक है, और अगर आपके कुछ और सवाल हैं तो उसमें बचा के रखना, करते हैं जल्दी नेक्स्ट टाइम। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर कुछ रह गया है तो आई एम सॉरी, अगर आपको क्वेश्चन नहीं लिया तब भी आई एम सॉरी। इस बार तो बहुत प्यार हो गया था, इस बार मतलब काफ़ी क्वेश्चन आ गए थे, तो आई वाज लाइक ये आई एम बैक। सब्सक्राइब कर देना भाई अगर अभी तक नहीं किया है तो, इंस्टाग्राम पे भी मैं अलबेली ऋतु के नाम से हूँ तो वहाँ भी फॉलो करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी, आई एम ग्लैड दैट आई एम डूइंग इट। टेक केयर, बाय बाय।